This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग. मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर 23 सितंबर 2022 के सुबह की ताजा तरीन खबरें. तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से. पुलिस की मासिक समीक्षा बैठक, आज से मिलेगी बतकम्मा साड़ी. पोड्डू भूमि पर बड़ी कार्रवाई, एथलेटिक्स टूर्नामेंट का शुभारंभ. हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की ओर. कल आसिफाबाद के एसपी कार्यालय में पुलिस की मासिक बैठक हुई, जिसमें जिला एसपी सुरेश कुमार जी ने कुछ आदेश दिए, जिससे कि जिले में पुलिस का काम करने का तरीका बदलेगा. सबसे पहला आदेश, जिले में क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम का इंतजाम किया जाएगा. दूसरा आदेश, बार बार अपराध करने वाले लोगों पर सीधे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाकर उन्हें अंदर कर लिया जाएगा. तीसरा, गांव में जागरूकता अभियान और कारण सर्च चलाए जाएंगे. चौथा आदेश है, महिलाओं की सुविधा के लिए शी टीम को मजबूत किया जाएगा. पांचवा, कोर्ट में पेंडिंग चल रहे केसों को जल्दी से निपटाने की कोशिश की जाएगी. वहीं छठवा आदेश है, पेट्रोलिंग को कड़क किया जाएगा और आधी रात को भी सड़कों पर चेकिंग किया जाएगा. सातवा आदेश, कोविड से संक्रमित हुए होमगार्डों को 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. आज से राशन की दुकानों में बतकम्मा की साड़ियां बांटी जाएंगी. ये सूचना जिला कलेक्टर श्री राहुल राज ने दी. राशन की दुकानों में स्थानीय वार्ड मेंबरों पर इन साड़ियों को बांटने की जिम्मेदारी होगी. आरओएफआर स्कीम के तहत पोड्डू भूमि के किसानों को पट्टा देने का काम शुरू होने वाला है. पहले उनके जमीनों का सर्वे किया जाएगा, केवल जरूरतमंद लोगों को ही जमीन आवंटित की जाएगी. कलेक्टर ने आदेश दिए कि सर्वे के दौरान कोई गड़बड़ और बवाल नहीं होनी चाहिए. सावधानी पूर्वक अच्छे से ये काम करना होगा. कल आसिफाबाद के हॉस्टल के मैदान में नॉर्थ तेलंगाना जोनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट की शुरुआत हुई. इसमें अंडर 14 और अंडर 15 टीमों ने भाग लिया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के एडिशनल कलेक्टर चाहत वाजपेयी जी और आईटीडीए के अफसर वरुण रेड्डी जी ने किया. वाजपेयी जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलने से मन भी प्रसन्न रहता है और शरीर में भी स्वस्थता बनी रहती है, इसलिए खुद भी अच्छे से खेलिए और दूसरों को भी खेलने के लिए प्रेरित कीजिए. तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें. आज 23 सितंबर के सुबह की खबरें यहीं तक. शाम की खबरों के साथ हम वापस मिलेंगे. तब तक के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा. नमस्कार.